हेलो, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं रोहित कुमार, जिन्होंने हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर पोस्ट को सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई इन्होंने कि अपने एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, इंटरव्यू का प्रिपरेशन इन्होंने कैसे किया, सारे ओवरऑल इनकी जानकारी आज हम लोग लेंगे इनसे। इनकी जो सफर रही एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, उनके बारे में आज जानेंगे कि इनकी जो जर्नी है वो किस टाइप से रही है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा अपने पूरे अभिमन्यु टीम के तरफ से रोहित का, कि कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जब फर्स्ट टाइम आपने रिजल्ट सुना या फिर देखा, तो क्या रिएक्शन था आपका और आपके फैमिली का? सर मैं दोस्त की शादी में गया हुआ था जब रिजल्ट आया उस टाइम पे, जी तो छत्तीसगढ़ एक दोस्त की शादी थी, तो वहीं पे मतलब सारे दोस्त तो बहुत खुशी थे क्योंकि यूपीएससी में भी मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका हूँ जी जी और हरियाणा में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जी पिछली जी बार 2 मार्क्स मिस हो गए थे मेंस में, अच्छा तो सभी बहुत खुश थे, मतलब खासकर मम्मी बहुत खुश थे कि मैं उड़ीसा में अभी जॉब कर रहा हूँ कि 5 साल बाद फिर से वापस मतलब हरियाणा में जॉब कर पाऊंगा। जी तो इससे पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम मतलब जॉब कर के साथ साथ कर रहे थे प्रिपरेशन, या फिर ये पहला आपका जॉब है? नहीं सर, मैं उड़ीसा में एसएससी सीजीएल के थ्रू जूनियर अकाउंटेंट की जॉब पे हूँ पिछले 4.5 ईयर से, अच्छा और उससे पहले भी 2 साल मैंने जिंदल स्टील्स में काम किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जी, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब जॉब के साथ बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, आपने कैसे किया कि जॉब करते हुए अपने एससीएस का मतलब एक बड़ा एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसके लिए टाइम कैसे मैनेज किया? सर मतलब सबसे बड़ी बात तो डिसिप्लिन ही रहती है कि जी जैसे जॉब के साथ लगभग मतलब मूवीज वगैरह या सोशल मीडिया का टाइम ये कट करना पड़ता है कि जी लंच आवर में जैसे मैं प्री के क्वेश्चन सोल्व कर लेता था जब तक प्री नहीं हुआ था, जी जी और उसके बाद 2 घंटे मॉर्निंग, 3-4 घंटे इवनिंग में मतलब निकालने की कोशिश करता था। जी तो मतलब डिसिप्लिन की मेन इंपॉर्टेंस है कि आप किसी दिन 8-10 घंटे नहीं निकाल पाओगे नॉर्मल कैंडिडेट की तरह, जी तो जॉब के साथ पर आपको 5 से 6 घंटे की रेगुलरिटी रखनी ज्यादा जरूरी है। जी रेगुलरिटी मतलब आप रेगुलर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है कि 24 घंटे को एक दिन ऐसा मिला कि 10 से 12 घंटे हम पढ़ लिए, मेकअप कर लिए, वो हाँ जी मेकअप सर, करने का टाइम ही नहीं रहता बिल्कुल, आपके पास। यस सर। जी तो रोहित, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, जैसे कि प्रीलिम्स में दो पेपर है, जैसे जीएस है, उसके बाद सीसेट है। सीसेट हालांकि क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी आपने किस टाइप से जीएस का स्ट्रैटेजी बनाया और किस टाइप से आपने सीसेट का स्ट्रैटेजी बनाया? सर प्रीलिम्स में तो मेरी मतलब एक बार जब हम कोर्स की मेन स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर लेते हैं जैसे एनसीईआरटी या जी मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, जो जी स्टैंडर्ड टेक्स्ट लगभग सभी रेफर करते हैं, जी तो वो टेक्स्ट फिनिश करने के बाद तो मैं प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करता हूँ जी क्योंकि मुझे मेंस में तो दिक्कत आती है लेकिन यूपीएससी में भी 3 बार और 4 बार और हरियाणा में भी 2 बार मेरा मतलब प्री क्लियर हुआ है, जी लगातार हो ही रहा है, यूपीएससी में कभी नहीं रुका। जी तो मेरे मेन स्ट्रेटजी तो प्रीवियस ईयर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, एक जी बार जब स्टैंडर्ड कोर्स खत्म हो जाए तो प्रीवियस ईयर और जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट, जैसे ऑफिस में बैठे हैं तो बीच में 15-20 मिनट लगे तो कोई आधे घंटे का ऐसे क्वेश्चंस करता रहता था, क्वेश्चंस के थ्रू मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग ज्यादा करता था फिर उसके बाद। तो अच्छा एक बात बताइए कि जैसे जीएस की अगर हम लोग बात करें, तो जीएस में मतलब कोई ऐसा सेक्शन जो आपके थोड़े वीक हो, या फिर मतलब उसको कितना टाइम दिया, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो आपको जिसको कम देने टाइम पड़ी आपको, मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी थी इस टाइप से? सर हरियाणा स्पेसिफिक में तो जैसे थोड़ा मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को लेके मुझे थोड़ा डाउट रहता था खुद के, जी तो उसके लिए तो मतलब जो पूरे क्वेश्चन बुकलेट रहते हैं प्रीवियस ईयर वो सारे कवर किए थे। जी उसके अलावा लूसेंट को भी दोबारा मतलब थोड़ा पढ़ा था क्योंकि लूसेंट थोड़ा ज्यादा ही कंटेंट हैवी बुक है, तो जी सारे सेक्शन तो मैंने कवर नहीं किए थे उससे, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल को वहां से कवर किया था। और सर पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कंपेरेटिवली इजी फील करता हूँ, बेटर फील करता हूँ, तो वहां से मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, मतलब उसमें लगभग 100% स्कोर रहता है। जी उसके अलावा इकोनॉमिक्स तो हरियाणा में तो इतना नहीं आता है तो उसको हम लाइट छोड़ सकते हैं। जी और करंट अफेयर का क्या मतलब किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किया था? सर करंट अफेयर मतलब जॉब पे रहता हूँ तो डेली न्यूज़पेपर हालांकि मैं तो रिकमेंड करता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता था, जी तो मंथली मैगजीन्स और लास्ट टाइम पे जो रिवीजन रहता है, जो कंपाइलेशन रहता है, उसी को रिवाइज करता था जी जी मेन। पर उसके अलावा मतलब मेरा तो ये रहता था कि स्टैटिक पोर्शन पे ग्रिप अच्छी थी और उसको और मजबूत रखता था ताकि करंट अगर ज्यादा हैवी आए भी
तो मैं मैनेज कर पाऊँ उसको, कट ऑफ को। जी। और सीसेट के लिए क्या फिर स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर सीसेट मेरा एक तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो ज़्यादा तो मैं नहीं करता था, कि मैथ्स इंग्लिश थोड़े ठीक है मेरे। उसके एसएससी में भी आप पहले अलावा सिलेक्ट हुए हुए हो, तो वहाँ पे थोड़ा टफ लेवल का आता है आपका सीसेट। मतलब अगर क्वांट और इंग्लिश देखे तो एसएससी का ज़्यादा टफ होता है। हाँ जी सर, वही थोड़ा तो उसका मुझे एडवांटेज रहता है, पर जी एक बार जी फिर भी एग्जाम से पहले थोड़ा ब्रश अप करके चला जाता हूँ, प्रीवियस ईयर एक या दो सोल्व कर लेता हूँ, जी ताकि जी वहां पे ज्यादा टाइम ना लगे। इस बार जैसे एचसीएस का दोबारा प्रीलिम्स हुआ था, जी तो उसमें पहले 1 घंटे में बहुत रिलैक्स होके कर रहा था, और उसमें मेरा 20-30% ही एग्जाम में हो पाया था क्वेश्चन। फिर जी एकदम से मैं थोड़ा खुद को मतलब लाइटली नहीं छोड़ना चाहिए सीसेट को भी, जी तो अगर एक दो प्रीवियस ईयर करके जाओ जिसकी मतलब अच्छी तैयारी है, तो वो थोड़ा ब्रशअप हो जाते हैं कंसेप्ट, और वहां पे जाके इजीली कर पाते हैं फिर थोड़ा। जी मतलब फिर भी आप, अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बांटे कि जीएस को कितना टाइम लिया, अगर इसको मतलब डेली करने की जरूरत है क्या सीसेट को? कोई कोई स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा हो तो कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब जीएस और सीसेट के बारे में अगर बात करें तो? सर अगर मतलब किसी का सीसेट वीक है, तो मेरे हिसाब से वीक में 2 दिन 3-4 3-4 घंटे डिवोट करने चाहिए सीसेट को। जी मतलब पहले आप कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक देख लो, कि टाइम स्पीड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्टेंस से कितने आ रहे हैं। मतलब जी मेरा सर तो मानना है सर PYQ ही मतलब जी मेन फोकस होना चाहिए, कि वहां से कैसे रेफरेंस लेके कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी जी क्योंकि आपको कट ऑफ ही क्लियर करनी है। तो जीएस पे ज्यादा स्ट्रेस करके सीसेट पे बस इतना रखो कि आप उसमें फेल ना हो जाओ, मतलब जी 40-50% स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, फिर बेटर है। जी और अगर हम लोग बात करें कि मेंस की, तो मेंस का पेपर में मतलब किस टाइप से, या फिर मेंस ऑप्शनल की अगर बात करें या फिर जीएस पेपर की बात करें, तो फिर उसकी क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? सर मेंस मेरे लिए भी मतलब बहुत ट्रिकी रहा है स्टार्टिंग से ही। यूपीएससी में मैं 4 बार मेंस में हिट का हूँ, जी और जॉब के साथ मतलब मेंस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी का तो सिलेबस बहुत हैवी है। जी हालांकि हरियाणा में मेंस थोड़ा मैनेजेबल हो गया है, क्योंकि ऑप्शनल एक हो गया है इस बार, जी जीएस का भी एक ही एग्जाम होता है, तो GS 4 कवर नहीं करना पड़ता है। हिंदी इंग्लिश मेन फोकस मेरे हिसाब से रहना चाहिए, जब स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आता है, तो उससे पहले ऑप्शनल और जीएस तो आपका तैयार होना ही चाहिए। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के लिए 2 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मतलब मेरे हिसाब से एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए। न्यूज़पेपर भी बाइलिंगुअल पढ़ना चाहिए उस टाइम पे, मतलब बाइलिंगुअल का मतलब है कि मतलब हिंदी का भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वगैरह पढ़ने चाहिए, ताकि आपकी लैंग्वेज में थोड़ी ग्रिप रहे। बिल्कुल तो मेन तो यही है सर, कि हिंदी और इंग्लिश में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो स्पेस मिला हुआ था 5 पेजेस 7 पेजेस ऐसे मिले हुए थे जीएस में, तो जी इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा, लिखना बहुत ज्यादा है, तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो मॉक ज्वाइन करने चाहिए। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैसे थे इस बार भी, कि कंटेम्प्रेरी बेसिस के थे, कोविड में इंडिया ने का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या चैलेंजेस थे, तो जी आता ये सभी को होगा। जी लेकिन जैसे मैं कंटेंट के लिए फैक्ट टॉपिक वाइज फैक्ट अलग कर लेता हूँ सिलेबस के लिए, कि जी हर टॉपिक पे आपके पास फैक्ट। हेलो जी कहाँ से चलिए सर, मैं मीन्स के बारे में बताता हूँ, ऑप्शनल के बारे जी में, कि जी ऑप्शनल में तो आप अगर प्रीलिम्स से पहले ही ऑप्शनल खत्म कर लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि हरियाणा में भी इतना टाइम मिलेगा नहीं कि आपको प्रीलिम्स और मीन्स के बीच में जी कि आप पूरा उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, तो ऑप्शनल को पहले प्रिपेयर कर लें, और जब रिजल्ट आता है तो हिंदी और इंग्लिश और जीएस पे ज्यादा फोकस करें। ऑप्शनल आपका कौन सा सब्जेक्ट था? सोशियोलॉजी सर, सोशियोलॉजी। तो क्या मतलब किस टाइप से स्कोर रहा होगा आपको? क्या लगा कि जो एग्जाम हुए थे आपके ऑप्शनल के, तो उस टाइम किस टाइप से रहा था आपका? सर ऑप्शनल इस बार मतलब मेरे का अच्छा गया था, क्योंकि जी पिछली बार जब मैंने दिया तो तैयारी स्टार्ट ही की थी, उस टाइम पे मेरे ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स आए थे, सोशो में 75 थे आउट ऑफ 150, और जी हिस्ट्री जी में 65 थे, तो जी 2 मार्क्स मेंस की कट ऑफ रही थी, वो ऑप्शनल की वजह से ही ज्यादा रही थी। तो जी जी इस बार तो मेरा पहले से ही ऑप्शनल तैयार था, और एक ही जी ऑप्शनल है, तो मतलब टाइम भी अच्छे से डिवोट कर सकते हैं। जी ऑप्शनल में अब तो ये कर लिया था मैंने, कि हर टॉपिक पे जो कम से कम 2 पेजेस के नोट्स बना लिए थे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, जी तो फिर उससे इजी रहता है, कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन करना भी इजी रहता है ऑप्शनल में, क्योंकि जी हरियाणा में लगभग एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहते हैं, तो ऑप्शनल आपका मतलब थोड़ा कंटेंट हैवी होना चाहिए, और लोग भी क्योंकि अच्छा कंटेंट लिखेंगे, तो इसलिए ऑप्शनल में कंटेंट और स्कॉलर्स वगैरह अच्छे से तैयार होने चाहिए। जी
और अगर हम लोग बात करें आंसर राइटिंग की, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत सारे लोग की तैयारी हो जाती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर लिख नहीं पाते, या फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाते कि इतने जल्दी कितने क्वेश्चन होते हैं, तो उसको लिखने आंसर राइटिंग के लिए मतलब फ्रेम करना क्वेश्चंस को, तो किस टाइप से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किया था आपने? सर, मैंने तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेनली यूपीएससी पैटर्न पे की थी, जी जैसे उस पैटर्न पे आते हैं, लेकिन इस बार एचसीएस ने पैटर्न चेंज कर दिया था। जैसे 7 पेजेस मिले हुए थे जी और छोटे क्वेश्चन में भी 4 पेजेस मिले हुए थे, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से एस्पिरेंट्स को थोड़ा और मॉड्यूलेट करना चाहिए खुद की स्ट्रेटजी को, कि इस जी बार भी वैसे ही पेजेस रहेंगे, क्योंकि एचसीएस के जो सेक्रेटरी हैं वो बोल रहे थे कि यही पैटर्न रहेगा लगभग कंटिन्यू। जी आज तो नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है हाँ जी सर, तो जी। इसलिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा डायग्राम और फ्लो चार्ट को इम्पोर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि 5-7 पेजेस हैं, भरना इजी नहीं है एग्जाम में। जी जी तो इसलिए जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, और पहले से ही फ्लो चार्ट डायग्राम जितने ज्यादा ऐड हो सकते हैं उतने ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 से 7 पेजेस भरना, मतलब यूपीएससी में तो 3 या 4 पेजेस भरने होते हैं, जी और इसमें 5 से 7 पेजेस कर दिए हैं। जैसे एचपीएससी जो सेक्रेटरी थे वो बोल भी रहे थे जब इंटरव्यू के टाइम पे कि जी हमने ये पैटर्न इसलिए किया है ताकि लोग बना के आंसर ना लिख पाए, मतलब उनकी पर्सनैलिटी आंसर में रिफ्लेक्ट हो, जी तो इसलिए इतने बड़े क्वेश्चन रखे गए हैं। मतलब वो पूछ रहे थे कि कोई सजेशन है क्या जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो लोग बोल रहे थे थोड़ा लेंदी पेपर था, तो बोले जानबूझ के लेंदी रखा गया है ताकि लोगों की रियलिटी मतलब उसमें रिफ्लेक्ट हो, तो जी इसलिए मेंस की तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा ही करनी पड़ेगी। जी अगला क्वेश्चन ही मेरा यही था कि जैसे कि इस बार का पेपर बहुत लेंदी था और उसको 2 से 3 घंटे में आपको खत्म भी करना था एग्जाम, तो उसको कैसे मैनेज किया एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे थे, 3 घंटे के अंदर इतना लेंदी पेपर आपको खत्म करना है, तो उसमें उस टाइम में इतने लेंदी पेपर को कैसे खत्म किया, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था आपने? सर सबसे पहले तो मतलब पहला क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, पर जी पहले क्वेश्चन के बाद ही अंदाजा लग गया था कि बहुत लेंथी पेपर है। मतलब जो पेपर बेंच पे रखा जा रहा था तो जी उसके वेट से भी लग रहा था, 100-125 पेजेस की बुकलेट थी वो जी जी जो जीएस की रखी गई थी, तो लोग आवाज से ही पता चल रहा था कि बहुत भारी पेपर है। तो पहले से ही सोच लिया था कि पिछली बार भी जैसे मेरा थोड़ा रह गया था, पेपर छूट जाता था, कि किसी एक में ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करूंगा। मतलब जैसे टाइम सेट कर लिया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हैं तो पर क्वेश्चन इतना टाइम डिवोट करना है, तो उतना टाइम होते ही इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने लग जाता था कि एक दो क्वेश्चन छूटेंगे तो उसमें ज्यादा लॉस है, बजाय कि किसी और क्वेश्चन में आधा या 1 मार्क एक्स्ट्रा लेने से। तो जी इसलिए मतलब मैंने तो स्ट्रिक्ट कर लिया था कि इतना टाइम होते ही इस क्वेश्चन को बस रैप अप करना है, उसमें ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, और हर जी क्वेश्चन के लिए जुडिशली टाइम यूज हो उसका ज्यादा ध्यान रखा। अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस टाइप से किया था, क्या या फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने उसके करंट अफेयर के लिए, या फिर जो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बोलने से घबराते हैं या फिर थोड़ा जब पैनल को देखते हैं तो डर जाते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपको? सर इंटरव्यू प्रिपरेशन में तो मतलब टाइम तो बहुत ही कम था, जैसे जी जी रिजल्ट आने के बिल्कुल बाद बिल्कुल मैं जॉब भी कर रहा था, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, अभिमन्यु आईएएस का और बंसल सर का भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने हरियाणा करंट अफेयर जो करवाया था, और उसके अलावा मैंने उनकी क्लासेस भी देखी थी मेनली तो इंटरव्यू के लिए, वैसे जी। क्योंकि 5-6 क्लासेस उन्होंने ली थी, और मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा था कि सर की नो नॉनसेंस अप्रोच है वो, मतलब कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी, जैसे कि अगर कुछ पूछे सजेशन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन वैसे पूछा था कि आपको एसडीएम बना देंगे तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोला था कि भाई कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉमिस मत करना, मैं पॉवर्टी खत्म कर दूंगा या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो तो सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं इतने सालों से काम कर रही है, तो कुछ बड़े वादे नहीं करने, जो ब्यूरोक्रेसी जैसे काम करती है वैसे ही बताना है, कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बतानी है, गुड प्रैक्टिसेस बतानी है। तो एक तो मैंने बंसल सर की क्लासेस रेफर की थी इंटरव्यू के लिए, और उसके अलावा सर मैंने यहाँ पे अभिमन्यु आईएएस में मॉक दिया था, एक दो जगह मॉक और दिया था, जी हालांकि मुझे ये वाला फियर नहीं है कि पैनल को फेस करने का, क्योंकि मैं कॉलेज में भी ड्रामेटिक्स वगैरह करता था तो जी स्टेट जी प्ले वगैरह की है, तो ऐसा फियर तो मुझे नहीं था, बट जी जो कंटेंट वाइज प्रिपरेशन थी वो सर जो रेडीमेड करंट अफेयर बन गए थे, जैसे शायद अखाड़ा यूपीएससी ने भी बनाया था और अभिमन्यु आईएएस के भी नोट्स आए थे, तो वो मैंने रेफर किए थे सर। टाइम कम ही था, मेरा फर्स्ट डे ही था 30th जनवरी, जी तो पहले तो टाइम कम लग रहा था, खैर मुझे बजट प्रिपेयर नहीं करना पड़ा 30th को हो गया, तो ये जी अच्छा भी था। ठीक, तो अच्छा एक बात बताइए मुझे कि ये बात भी आप जैसे आपने भी बताया मुझे भी याद आ गई, क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम जैसे ही निकला उसके बाद आपके इंटरव्यू का डेट आ गया, 10 दिन का टाइम दिया गया था, ठीक है, तो यस उस सर 10 दिन में आपने मतलब क्या सोचा कि किस टाइप से प्रिपरेशन करें या फिर क्या पढ़ना चाहिए, इतने कम टाइम में क्या पढ़ें, तो उस टाइम का जो मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट पैनिक हो जाता है, तो उस टाइम में अपने मतलब अपने आप को संतुलित रखने के लिए अपने क्या किया था? सबसे पहले तो मतलब मैं मतलब पहले दिन मुझे भी अजीब सा लगा था यार, बहुत कम टाइम है,
उसके बाद मैंने सोचा कि इतने टाइम बाद मतलब अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिल्कुल और सबके पास ही कम टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा था, खैर पिछले जैसे यूपीएससी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था तो मेरा पढ़ने का मन भी नहीं था, मैंने पिछले 1 महीने से न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा पैनिक हुआ था। पर फिर मैंने सोचा कि 10-12 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हो नहीं रहा था, रसिया यूक्रेन 5-7 ही है कि कवर हो जाएगा। और फिर सर जो अभिमन्यु क्लासेस में सर ने क्लासेस ली, और एक यूपीएससी अखाड़ा में सर IFS थे, वो IFS है वो, जी तो उन्होंने क्लासेस ली थी, उससे मतलब मेरा काफी हद तक कंटेंट कवर हो गया था, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं लगभग क्वेश्चन हैंडल कर लूंगा। और लकीली मतलब मेरे से ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए, ज्यादातर डेफ ओरिएंटेड ही चला था मेरा। जी अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने इंटरव्यू के दौरान या फिर अपने प्रिपरेशन के आपके प्रिपरेशन के दौरान कुछ घटा हो जो आप अपने हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहो? सर इंटरव्यू में तो एक तो यही कि जब सर बोल रहे थे प्रिपरेशन के दौरान कि YSDM या SDM बनने के बाद आप क्या करोगे, तो उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा तो मेरे मुंह पे मतलब अंदर से वैसे स्माइल आ गई थी सोच के कि भाई इनको कुछ बड़ा नहीं बताना है, जी बहुत बड़ा। और इंटरव्यू के टाइम पे मतलब मैं पहले ही सोच के गया था कि ये कविता सुनाऊंगा या एक सीनियर की कविता है, तो मतलब वही इंसिडेंट लगभग मतलब मेरा इंटरव्यू एक्सपेक्टेड लाइन पे चला था, जी तो ये मतलब काफी सेटिस्फाइंग रहा था कि जो मैं सोच के गया था लगभग इंटरव्यू 70-80% वही क्वेश्चन थे जो मैं सोच के गया था। जी चलिए। और हमारे जो जैसे कि आपको पता ही है कि आज नोटिफिकेशन भी आ गई है SCS के लिए, तो जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो अभी देंगे 2023 में एग्जाम को, तो उनके लिए कुछ मैसेज अगर आप देना चाहो तो। सर मैसेज तो यही है कि हरियाणा में छोटा स्टेट है और लगभग लोग यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं जो ये एग्जाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है और सीट्स एज यूजुअल कम है, तो आप लोगों को मतलब 8 से 10 घंटे जिसका जितना हो सके उतनी डेडिकेशन से प्रिपरेशन करते रहिए। उसके अलावा थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी रखिए कि हरियाणा में है तो जैसे लूसेंट वगैरह पढ़ना, जैसे यूपीएससी के लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं उस चीज के साथ, तो जी जो पैटर्न जैसे हरियाणा में मैंने देखा है कि इकोनॉमिक्स कम आती है और इन्वायरमेंट और साइंस स्टेटिक ज्यादा आती है, तो उस जी पोर्शन पे भी थोड़ा स्ट्रेस रखें। और अभी मतलब फिर भी 15-20 दिन अगर किसी को लग रहा है मेरा मेंस में ऑप्शनल बचा हुआ है तो जी उसको कवर कर ले, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का उस और प्रीलिम्स होता है उसके बीच में जो टाइम है मतलब ज्यादातर उसमें रिलैक्स हो जाते हैं कि रिजल्ट अगर मेरा होगा तो मैं तैयारी करूंगा मेन्स की, तो ऐसा ना करें प्रीलिम्स के 1-2 दिन बाद ही मेन्स की तैयारी स्टार्ट कर दें और ऐसे ही मेन्स के जस्ट बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हरियाणा में इतना टाइम मिलता नहीं है कि आपको रिजल्ट के बाद फिर आप तैयारी शुरू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू रोहित, हमारे लिए कीमती वक्त आपने निकाला अपना, उसके लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, टाइम की तो थैंक कोई यू बात जी नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स की बात सुन के यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों की बात सुन के मुझे भी गाइडेंस मिली है, होपफुली आप लोग भी ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे और हेल्प करते रहेंगे। थैंक्स अ जी लॉट थैंक सर। यू।